हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ सीटेड क्रैकर। फ्रेंड, आज हम इंग्लिश पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ये सारे क्वेश्चन पेपर वन तथा पेपर टू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इसमें मिलाया गया अलग से। तो फ्रेंड, आज हम क्वेश्चन 1 से 15 क्वेश्चन का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इन लर्निंग अ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को लर्निंग करने में स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज, कि स्टूडेंट्स का जो टॉकिंग टाइम है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो लैंग्वेज को लर्निंग करने में स्टूडेंट्स का टॉकिंग टाइम को बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन तो ये कि तो स्टूडेंट का टॉकिंग टाइम क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन बोला है कि दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेज, कि वे यूज करते हैं टारगेट लैंग्वेज को वेरियस पर्पस के लिए। ये तो हो सकता है कि टॉकिंग टाइम इसलिए बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यूज करें टारगेट लैंग्वेज विभिन्न उद्देश्य के लिए। ए नंबर तो सही है। बी नंबर बोला कि टीचर्स फील रिलैक्स व्हाइल स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, कि टीचर रिलैक्स फील करते हैं जब स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि टीचर रिलैक्स फील करे, बी नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। सी नंबर बोला कि दे एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड, कि वे इंजॉय करते हैं टाइम बिताना अपने दोस्तों के साथ। तो ये भी नहीं होगा कि इंजॉय करेंगे अपने दोस्तों से बातचीत करना। डी नंबर बोला कि दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, कि वे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे टॉकिंग टाइम का बात है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का बात है। तो प्रोनाउंसिएशन करने के बाद ही बच्चा टॉकिंग करता है, तो डी नंबर भी तो ऑप्शन नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन का तो इसमें नहीं बात होगा। ए नंबर बोला है कि दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेज, ये हो सकता है कि वे यूज करते हैं टारगेट लैंग्वेज को वेरियस पर्पसेज के लिए, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर ए। 17 नंबर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर बोला है कि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अनुसार वेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे कमी हो जाती है सफिशेंट इन्फॉर्मेशन की इन द लैंग्वेज इनपुट, लैंग्वेज इनपुट में जो सफिशेंट इन्फॉर्मेशन की कमी हो जाती है, देयर इज यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाई टू ऑल, तब वहाँ पे यूनिवर्सल ग्रामर को सभी के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यूनिवर्सल ग्रामर से, यूनिवर्सल ग्रामर किनका दिया हुआ है? यूनिवर्सल ग्रामर दिया हुआ नोम चोमस्की का, नोम चोमस्की। इसमें आप बोले नोम चोमस्की क्या बोले, कि बच्चे के माइंड में इनेट कैपेसिटी होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, सिर्फ वो ग्रामर का यूज करता है, यानी कि ग्रामर को यूज करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि यूनिवर्सल ग्रामर जो अप्लाई किया जाता है किस लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया जाता है, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि चिल्ड्रेन बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। तो क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर में देखिए बोल रहा है कि टीचर डोंट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, कि टीचर जो है नया वर्ड का मीनिंग नहीं देते हैं टू लर्नर्स को डायरेक्टली, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से उसको टीचर जो है नया वर्ड का मीनिंग नहीं बता देते हैं। बिकॉज ऐसा करने का टीचर का क्या उद्देश्य है कि टीचर प्रत्यक्ष रूप से नया वर्ड का मीनिंग नहीं बताएं? तो ऑप्शन नंबर ए बोला है कि लर्नर डोंट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि लर्नर उस सारे मीनिंग को लाइक नहीं करते जो टीचर को द्वारा दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लर्नर मीनिंग को लाइक ना करें। बी नंबर देखिए, इट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग ऑफ थ्रू पजलिंग और यूजिंग क्लू, कि लर्नर को रोकता है डिस्कवरिंग करने से, कि बर्ड मीनिंग को खोजेगा नहीं लर्नर, अपना कोई माइंडसेट नहीं लगा पाएगा, अपना कोई सेंस नहीं लगा पाएगा। तो ये तो हो सकता है कि यदि डायरेक्ट रूप से टीचर लर्नर को मीनिंग बता दे तो अपना लर्नर क्या करेगा, कोई माइंडसेट नहीं लगा पाएगा, कोई बर्ड मीनिंग डिस्कवर नहीं करेगा। 18 का बी हो सकता है। सी नंबर देखिएगा कि लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ बर्ड्स, कि लर्नर्स पहले से ही बर्ड का मीनिंग जानते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि लर्नर्स पहले से बर्ड का मीनिंग जानेंगे तो टीचर को बताने की जरूरत पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। डी नंबर बोला कि वोकैबुलरी विल नॉट बी इनरिच, कि वोकैबुलरी से इनरिच, इनरिच का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि वोकैबुलरी उससे अच्छा नहीं होगा। तो ये भी नहीं होगा। इसका एक ही वो ऑप्शन है नंबर, ऑप्शन नंबर बी, कि इट प्रिवेंट लर्नर्स, कि लर्नर को रोकता है फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लू, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। बोला है व्हाट इज टॉट इज नॉट, व्हाट इज लर्नड बिकॉज, बोला क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है, टीचर के सामने ऐसा सिचुएशन क्यों बनता है, मतलब क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, क्या सिखाया जाए, टीचर के सामने ऐसा सिचुएशन क्यों बनता है? तो टीचर के सामने ऐसा सिचुएशन इसलिए बनता है कि डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे होते हैं क्लास में, डिफरेंट पर्सनैलिटी के बच्चे होते हैं और विभिन्न प्रकार के डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, इसलिए टीचर को ये बन जाता है कि व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए। यानी कि 19 का ऑप्शन एक ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, कि बोला है कि स्टूडेंट्स पोजेस डिफरेंट एबिलिटी, कि स्टूडेंट डिफरेंट एबिलिटी से रहते हैं, पर्सनालिटी से रहते हैं और वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
20 नंबर बोला है कि नोम चोमस्की इज रिफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? नोम चोमस्की क्या बोले कि बच्चे का माइंड में नेट कैपेसिटी होता है, पहले से कैपेसिटी होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो सिर्फ यूनिवर्सल ग्रामर को यूज करता है, यानी कि पहले से ही उसके माइंड में स्ट्रक्चर लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है, डीप स्ट्रक्चर वही हुआ। तो जब भी नोम चोमस्की की बात आएगा तो आप दो तीन चीज़ खोजिएगा नोम चोमस्की का चर्चा होगा तो, एक खोजिएगा यूनिवर्सल ग्रामर, एक खोजिएगा जनरेटिव ग्रामर, या तो खोज सकते हैं LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या खोज सकते हैं LLD, ये चारों ऑप्शन में जिसमें रहेगा नोम चोमस्की के बारे में बताया जाएगा। तो 20 का देखिएगा डीप स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि ए नंबर देखिएगा बोला है कि यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग, कि यूनिवर्सल ग्रामर सभी लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो कि ह्यूमन ब्रेन में पहले से कैपेसिटी होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी कि नोम चोमस्की का जो डीप स्ट्रक्चर का मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए कि यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेज एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर बोला है कि लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज, कि नया लैंग्वेज को सीखने में आफ्टर पुवर्टी, पुवर्टी का मतलब हुआ मैचुरेशन, कि मैचुरेशन के बाद या तो आप इसको बोल सकते हैं कि 16 अवस्था के बाद लैंग्वेज को सीखने में क्या होता है, या तो लैंग्वेज अच्छा से बच्चा सीख लेता है, या समान लैंग्वेज सीखता है, या ग्रेटर मास्टरी, या लैंग्वेज में निपुणता आ जाता है, या लॉस ऑफ मास्टरी, या मास्टरी में कमी आ जाता है। तो देखिएगा कि बोल रहा है कि लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज आफ्टर पुवर्टी, पुवर्टी के बाद नया लैंग्वेज सीखने में, तो होता है इसका कि नया लैंग्वेज जब पुवर्टी के बाद सीखेगा तो ऑप्शन नंबर बोला कि डिफिकल्टी इक्विजिशन, इक्विजिशन में डिफिकल्टी आएगा। बी नंबर बोला कि नॉर्मल इक्विजिशन, समान इक्विजिशन होगा। सी नंबर बोला ग्रेटर मास्टरी, या तो मास्टर प्राप्त कर लेगा, या लॉस ऑफ मास्टरी, या मास्टर में कमी आएगा, मास्टरी में कमी आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि बोल रहा है कि नया लैंग्वेज को सीखेंगे तो हो जाता है कि पुवर्टी के बाद जब नया लैंग्वेज सीखते हैं तो डिफिकल्टी इक्विजिशन, इक्विजिशन में डिफिकल्टी होती है, यानी कि इक्विजिशन प्राप्त कर पाना उसको लिए कठिन हो जाता है। 20 का ऑप्शन हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 22 नंबर देखते हैं कि द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, CCE के बारे में बोल रहा है, CCE, उसमें पूछा है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, जो टर्म है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब पूछ रहा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट। स्कॉलास्टिक का मतलब हुआ जो स्कूल में हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट होता है। अब को स्कॉलास्टिक का मतलब होता है कि जो हम स्कूल से बाहर जो अपने सोसाइटी से अपने फैमिली से जो सीखते हैं उसका जो डेवलपमेंट होता है, तो यही होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब। तो यहाँ पर देखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर है सी की स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर बोला कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किस प्रकार का असेसमेंट है। तो फॉर्मेटिव से याद रखिएगा फोर लर्निंग होता है, एक होता है समेटिव, समेटिव का मतलब होता है ओवर लर्निंग। यहाँ देखिएगा फॉर्मेटिव में या फोर आगे लगा हुआ है, तो इसको याद कर लीजिए कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फोर लर्निंग। यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर बोला कि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किस प्रकार का असेसमेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फोर लर्निंग। 24 नंबर देखिएगा कि टीचर डिवाइड्स अ क्लास इनटू पेयर्स, अब यहाँ पेयर्स का बात हो रहा है, ग्रुप का जब बात होता है ग्रुप असेसमेंट बन जाता है, जब पेयर का बात होता है तो पीयर असेसमेंट बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक टीचर डिवाइड्स अर क्लास इनटू पेयर्स टू एक्सचेंज देयर नोटबुक्स, कि टीचर जो डिवाइड्स करता है क्लास को पेयर में और अपना नोटबुक को एक्सचेंज करने के लिए बोलते हैं, एंड मेक करेक्शन, जो गलती होता है उसको करेक्शन करने के लिए बोलते हैं, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द टीचर, टीचर के डायरेक्शन के अनुसार। तो व्हाट डज सी डू, तो वो टीचर क्या करना चाहती है, पेयर में बांट रही है और उसके बाद नोटबुक एक्सचेंज करने के बोल रही है, उसके बाद करेक्शन करने के बोल रही है। तो यहाँ तो पहले बताया कि जब पेयर का बात होगा तो हो जाएगा पीयर असेसमेंट, जब ग्रुप का बात होगा तो ग्रुप असेसमेंट, यानी 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस प्रकार का असेसमेंट एक क्वेश्चन है, तो 24 का हो जाएगा पीयर असेसमेंट, 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, कैसा एवोल्यूशन है, कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग होता है उसमें, या पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम होता है, या असेसमेंट ऑफ लर्नर बाय लर्निंग, कि लर्नर को असेसमेंट किया जाता है जब लर्न करते हैं स्टूडेंट तो, या 25 का ऑप्शन नंबर होगा डी, कि कंटिन्यूअस असेसमेंट, की कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि कैसा असेसमेंट होगा, CCE में कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर बोला है कि समेटिव असेसमेंट इज, कि समेटिव असेसमेंट किस प्रकार का असेसमेंट है। तभी बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है फॉर लर्निंग, समेटिव असेसमेंट क्या हो जाएगा ऑफ लर्निंग, तो समेटिव असेसमेंट होता है ऑफ लर्निंग, यानी 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर हम लोग देखते हैं,
27 नंबर बोल रहा है कि एवरी क्लास इज मिक्स एबिलिटी क्लास, बोल रहा है कि प्रत्येक क्लास में मिक्स एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। सो व्हाइल डिवाइडिंग द स्टूडेंट, जब स्टूडेंट को डिवाइड किया जाता है इंटू डिफरेंट ग्रुप, विभिन्न ग्रुप में फॉर ए लैंग्वेज एक्टिविटी करने के लिए टीचर शुरू, तो टीचर को क्या करना चाहिए। फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एवरी क्लास इज मिक्स एबिलिटी क्लास, की प्रत्येक क्लास में मिक्स एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, मिक्स एबिलिटी क्लास होते हैं। सो व्हाइल डिवाइडिंग द स्टूडेंट इंटू डिफरेंट ग्रुप, जब डिफरेंट ग्रुप में स्टूडेंट को बांटा जाता है फॉर ए लैंग्वेज एक्टिविटी करने के लिए टीचर शुरू, तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो देखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर की गिव्स स्टूडेंट डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट, कि डिफरेंट टास्क देना चाहिए बच्चे का स्ट्रेंथ के अनुसार। ये तो हो सकता है मिक्स बीकर एंड स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट, बी नंबर बोला कि मिक्स कर देंगे, मिला देंगे बीकर और स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट को, तो ये तो नहीं होगा कि मिला दें बीकर स्टूडेंट और स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट से, इससे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सी नंबर बोला कि अरेंज ग्रुप डिफरेंटली टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, ये भी हो सकता है कि डिफरेंट ग्रुप अरेंज करेंगे डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। या डी नंबर बोल रहा है कि पुट अ स्ट्रॉन्गर एंड वीकर स्टूडेंट इन डिफरेंट ग्रुप, कि स्ट्रॉन्गर और वीकर स्टूडेंट को डिफरेंट ग्रुप में हम डालेंगे, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिक्स एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, अब क्लास को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट ग्रुप में, तो इसका करने का उद्देश्य क्या हुआ कि मिक्स एबिलिटी वाले बच्चे हों, क्लास को डिवाइड किया जाए डिफरेंट ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिएगा ये नंबर बोला गिव्स अ स्टूडेंट डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टूडेंट, कि स्टूडेंट को डिफरेंट टास्क देंगे उसके स्ट्रेंथ के अनुसार। लेकिन सी नंबर देखिएगा कि अरेंज ग्रुप डिफरेंटली, यहाँ पे ग्रुप को भी बांटा जा रहा है, तो डिफरेंट ग्रुप तो बनाएंगे ही फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, किसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिस प्रकार का बच्चा होगा उसी प्रकार का उसके एक्टिविटी दिया जाएगा, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 28 नंबर की बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी कक्षा में, बोला कि समावेशी कक्षा में क्या वैल्यू एसोसिएटेड किया जाता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो समावेशी कक्षा क्या होता है, समावेशी कक्षा उसको बोलते हैं जब बच्चे सारे बच्चे एक साथ मिलकर, चाहे तो मंद बुद्धि के बच्चे हों, चाहे तेज बालक हों, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, सभी को एक जगह पर मिलाकर पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। तो 28 का देखिएगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या वैल्यू होता है, कंपटीशन तो होता नहीं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति क्या बच्चा के साथ सहानुभूति करने से क्या तो इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बन जाएगा। सी नंबर बोला ईर्ष्या, इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या तो होगा नहीं। डी नंबर बोला कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि साठ गांठ जिसको बोलते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना जिसको बोलते हैं, यानी कि यही होगा 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, की जो इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है कोलैबोरेट होना चाहिए, बच्चा एक दूसरे से कोलैबोरेशन करना चाहिए, तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर बोल रहा है कि स्पेशल नीड्स क्लासरूम जाए डेली, कि जो विशेष ज़रूरत वाले क्लासरूम होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। ए नंबर ऑप्शन देखिएगा कि विशेष जरूरत वाले क्लासरूम किस प्रकार क्लासरूम होना चाहिए। ए नंबर बोला कि हैज एक्स्ट्रा टीचर टू हेल्प रेगुलर टीचर, कि एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए ताकि रेगुलर टीचर को उसमें हेल्प मिल सके, तो ये तो होगा नहीं कि टीचर ही टीचर को हेल्प करेगा। बी नंबर बोला कि एक्सक्लूसिव फर्निश्ड, कि अच्छे तरीके से क्लास सुशोभित होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ अच्छे तरीके से सुशोभित हो जाए तो स्पेशल नीड पूरा हो जाता है। लोकेट सेपरेटली, अलग का तो बात ही नहीं करना है कोई पेडागोजी में, कि सेपरेट कर दे तो उसको तो एकदम नहीं लेना है, तो सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। और डी नंबर बोला कि इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर, कि बहुत सारे लर्नर उसमें, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सम्मिलित रूप से सारे लर्नर होते, ये हो सकता है कि स्पेशल नीड क्लासरूम हो या क्लासरूम होता है जिसमें कि इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर हो, कि सारे लर्नर हो, चाहे तो तेज हो, चाहे मंद बुद्धि वाला हो, चाहे किसी बैकग्राउंड से बच्चा आते हों, तो उसी को मतलब स्पेशल नीड क्लासरूम बोला जाता है, कि सभी प्रकार के लर्नर उसमें मौजूद हों, कि 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रास्प इफेक्टिवली, आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कि स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रास्प इफेक्टिवली, कि जो स्लो लर्नर होते हैं फेल टू ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कि वो समझने में फेल हो जाते हैं, एंड मिक्सअप वर्ड और वर्ड को मिला देते हैं, और स्ट्रक्चर को इजली, मतलब एक दूसरे से वर्ड को मिला दिए, स्ट्रक्चर को एक दूसरे से मिला दिए। टीचर्स कैन रिमेडिएट, तो टीचर उपचार कर सकते हैं बाय बिगिनिंग विथ, शुरुआती में जब बच्चे मिक्सअप कर रहे हैं वर्ड को, स्ट्रक्चर को मिक्सअप कर रहे हैं, तो टीचर किस प्रकार से उसका उपचार करें ताकि उसका जो मिक्सअप वर्ड है, स्ट्रक्चर को जो मिक्सअप करता है वो आसानी से ख़त्म हो जाए। तो टीचर उसमें क्या करेंगे कि पहले पता लगाएंगे किस एरिया में उसको डिफ़िकल्टी है, जब असेसमेंट किया जाता है तो पहले पता लगाया जाता है किस एरिया में उसको डिफ़िकल्टी है, उसके बाद उस एरिया का रिमेडिएट किया जाता है। यानी इनकी 30 का देखिएगा कि सी नंबर ऑप्शन बोला है कि आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ डिफ़िकल्टी, कि जिस एरिया में डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा है उसी एरिया को हम टीचर क्या करेंगे, पहले पता लगाएंगे, उसके बाद उसका रिमीडिएट किया जाएगा, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।